नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स, मैं हूं पल्लवी। बाजार पर चर्चा करेंगे लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हॉट स्टॉक्स में आज खास क्या रहने वाला है। आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ आज खुला, क्या रहा, कैसा रहा पहला दिन और साथ ही एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। इसके साथ ही फेड की बैठक कल से शुरू होने वाली है, भारतीय बाजारों पर इसका क्या असर होगा, बाजार की ओपनिंग कैसी रह सकती है ये जानेंगे एक्सपर्ट से, और कल के दिन कहां होगी कमाई यानी कि मुनाफे की वो कॉस्ट जो आपको मालामाल कर सकती है। लेकिन सबसे पहले आज के भारतीय बाजार। यूएस फेड की बैठक से ठीक पहले भारतीय बाजारों में कॉशियसनेस देखने को मिली, फ्लैट शुरुआत हुई लेकिन बाजार दिन भर एक दायरे में ही रहा। इंटरडे में निफ्टी ने 8800 के स्तर के नीचे भी आया लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर बढ़त थी जिसके चलते एक रिकवरी या फिर कह सकते हैं स्टेबिलिटी देखने को मिली। टीसीएस आईसीआईसीआई बैंक में बढ़त रही और निफ्टी 9 सितंबर के बाद फिर से 8800 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। क्लोजिंग पर सेंसेक्स लगभग 35 अंक बढ़त के साथ बंद हुआ। अगर सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो मेटल, शुगर, टेक्सटाइल, स्टार शेयरों में आज के सेशन में अच्छी खरीदारी रही। अमेरिका के एचसीआई ग्रुप में हिस्सा खरीदने की खबरों के बाद टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक के शेयर में तेजी रही और आईटी शेयरों को लीड करते हुए दिखा टीसीएस, जहां लगभग 2% की तक की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली। लेकिन इन्फोसिस के रेवेन्यू घटाने की खबरों के चलते शेयर आज फ्लैट ही क्लोज हुआ। दिग्गजों के मुकाबले आज मिड कैप्स में अच्छी तेजी रही। एमआरएफ, यूनाइटेड ब्रेवरीज, भारत फोर्ज, रिलायंस कैपिटल, पेज इंडस्ट्री, ये ऐसे कुछ मिड कैप स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार क्लोज हुआ। एफएमसीजी को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टर इंडाइसेस आज हरे निशान में ही बंद हुए। आज स्पेसिफिकली कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो खबरों में छाए रहे। सबसे पहले तो आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ का आज पहला दिन था। यूबी ग्रुप के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी रही। इसके पीछे वजह भी थी कि हेंकन इंटरनेशनल ने कुछ प्रतिशत हिस्सा यानी 0.7% तक का हिस्सा कंपनी के अंदर खरीदा। इनफैक्ट येस बैंक ने यह हिस्सेदारी बेची जिसके बाद हमने देखा कि यूनाइटेड ब्रेवरीज ऑलमोस्ट 5.5-6% की तेजी के साथ क्लोज हुआ यानी आज के सेशन में एक स्ट्रांग रनअप देखने को मिला। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार खरीदने की खबरों से हेरिटेज फूड्स के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिली और क्लोजिंग पर भी लगभग 10% की तेजी के साथ डे हाई के आसपास ही स्टॉक क्लोज होने में कामयाब रहा। बीएफ यूटिलिटीज, इनफैक्ट अगर देखें तो बाबा कल्याणी ग्रुप के कई स्टॉक्स ऐसे थे जो आज अच्छा तेजी उसमें देखने को मिली और इसके पीछे वजह भी है। बीएफ यूटिलिटीज का जो बीएमआईसी यानी कि बैंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है, इस मामले की सुनवाई आज होनी थी और 5 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई टल गई है। खबर के बाद हमने देखा कल्याणी ग्रुप के शेयरों में तेजी रही और बीएफ यूटिलिटीज जिसका पर्टिकुलरली ये प्रोजेक्ट है वहां पर एक स्ट्रांग स्पाइक देखने को मिला लेकिन क्लोजिंग आते आते कुछ गिरावट यहां पर रही लेकिन फिर भी लगभग 16.85 रुपए की मजबूती के साथ बीएफ यूटिलिटीज का शेयर क्लोज हुआ। साथ ही शार्प इंडिया आज फोकस में था। ओपन ऑफर के लिए पैनल के गठन की खबर आई जिसके बाद अपर सर्किट पर स्टॉक क्लोज हुआ और ऑलमोस्ट 68 के लेवल्स पर शार्प इंडिया का स्टॉक आज के सेशन में क्लोज हुआ है। लेकिन आज के एक्सपर्ट आशीष अंदानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आशीष, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज की जो मार्केट है क्योंकि इसमें स्लाइट कॉशन्स भी है, कैसे देख रहे हैं आप? बैठक कल से शुरू होनी है लेकिन साथ ही बैंक ऑफ जापान, यहाँ से कोई बड़ा आउटकम आते हुए देख रहे हैं आप? ओवरऑल अगले 2-3 दिन कैसे रहने वाले हैं इंडियन मार्केट्स के लिए? देखिए, काफ़ी डिसाइसिव रहेंगे अगले 2-3 दिन, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी। जैसे आपने बताया कई सारे ट्रिगर्स हैं, कई सारे न्यूज़ हैं। मुझे नहीं लगता बैंक ऑफ जापान की मीटिंग में कोई ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक जो परिस्थिति है जापान में भी वो भी कोई ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल से मोरल स्टेटस को रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो जो हमने एक गिरावट 8900 के ऊपर से देखी थी और हमने ऑलमोस्ट 8750 के आसपास के लेवल्स को टच करके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया, बट अभी भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं रहा है जो मूव अप मूव आई है। सेलेक्टिव पॉकेट, जैसे आप टायर स्टॉक्स को स्पेशली देखें, ऑलमोस्ट पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। साथ में हम देखें फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में काफ़ी मूवमेंट हो गई है जिनको हम डिफेंसिव बोलते हैं। एक और डिफेंसिव सेक्टर जो आईटी सेक्टर है वो भी पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मूवमेंट में है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मार्केट अब अपने पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं चर्न कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है जो एग्रेसिव स्टॉक्स हैं हाई बीटा स्टॉक्स में से, और थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स में एंटर करना चाह रहा है। रिलायंस एडीएजी ग्रुप को भी आप देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। रिलायंस कैपिटल में भी एक फंडामेंटल मूव बहुत अच्छी आई है जो वो डाइवर्ज करना चाह रहे हैं अपने दो बिजनेसेस को, जिससे एक बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएशन होगा। तो मेरे ख्याल से मिड कैप्स में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। मुझे लगता है अगले 2-3 दिन हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ हमें ब्रेकआउट देता है
और वही आगे की डायरेक्शन शायद तय करेगा। अगले 2 से 3 दिन काफी क्रूशियल रहने वाले हैं, उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन अब कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले बात करते हैं नारायण से, जयपुर से। गुड इवनिंग नारायण जी, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? नारायण जी आप सुन पा रहे हैं? शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन उन्होंने SMS के जरिए भी सवाल पूछा है। मोनसेंटो इनफैक्ट खबरों में भी छाया रहता है ये शेयर पिछले कुछ दिनों में, और इन्होंने जो इनकी खरीद है वो 2340 के आसपास है, यानी कि अच्छा मुनाफा। इनफैक्ट इन्होंने लॉस दर्ज किया आज के सेशन में, तो खैर गिरावट रही है, 2442 आज की क्लोजिंग रही है। इनकी खरीद के हिसाब से देखा जाए क्वांटिटी कम है, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जिसका प्राइस थोड़ा हायर साइड पे होता है, हाई वैल्यू स्टॉक्स के अंदर आता है मोनसेंटो, 2340 इनकी खरीद है, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए आप अगर स्टॉक को देखें तो फंडामेंटली जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ प्ले आउट हो गई, जो बाय आउट की न्यूज़ थी, और टेक्निकली भी आप देखें डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने करेक्शन लिया है। जब भी एक न्यूज़ के बाद डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद स्टॉक करेक्शन लेता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन होता है कि शायद थोड़ा फिजल आउट हो ये स्टॉक। इनको मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी दूंगा, और अगर एक उसको होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक को तो टेक्निकल लेवल पे 2380 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2380 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, 50 DMA भी है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अगर वहाँ से ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में 200-400 रुपये की एक सडन डाउन मूव देख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन करें, तब तक 2380 का स्टॉप लॉस भी ज़रूर ध्यान रख के चलें इसको। राइट, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, यानी किसी भी रैली में आप इसमें से निकल सकते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ चंद्रा विशाखापट्टनम से जुड़े हैं। नमस्कार मिस्टर चंद्रा, बताइए क्या सवाल है आपका? चंद्रा जी सुन पा रहे हैं आप? या जी सवाल पूछे अपना। मैंने पटेल इंजीनियरिंग का 1000 शेयर्स लिया 85 पे। किस लेवल पे खरीदा आपने? उसका टारगेट बोल सकते क्या नेक्स्ट 3 मंथ्स में? टारगेट से पहले अगर आप स्पेसिफाई करें कि कितने समय के लिए आपने स्टॉक खरीदा? 1 ईयर बैक। नहीं, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू होल्ड दिस स्टॉक? ऑलमोस्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म के निवेशक है आशीष, और इनकी खरीद जैसे इन्होंने बताया 86 पर है, 105 आज की क्लोजिंग रही है, और एक साल और इसे समय दे सकते हैं। आज के सेशन में कुछ गिरावट कही जा सकती है, क्या कहेंगे पटेल इंजीनियरिंग में आगे के लिए टारगेट, जैसे 1 ईयर के परस्पेक्टिव से अगर टारगेट सजेस्ट करने हो, और साथ ही एक स्टॉप लॉस भी इन्हें आपसे बताया। देखिए स्टॉक को अगर आप देखें पिछले ऑलमोस्ट 15 दिनों में ये स्टॉक डबल हो गया है, अपर सर्किट्स भी लगे थे इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस पूरी रैली में, आज आप देखें तो लोअर सर्किट के आसपास क्लोज हुआ, तो काफ़ी वॉलेटाइल है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी इनको सलाह रही किसी फ्रंटलाइन कंपनी में एंटर करें, इस पर्टिकुलर स्टॉक में से प्रॉफिट बुक करके निकलने की सलाह रही। काफ़ी वॉलेटिलिटी है, काफ़ी समय के बाद ये स्टॉक में मूवमेंट आया है, तो जब भी ऐसे शार्प मूवमेंट्स आते हैं कंसोलिडेशन के बाद तो नॉर्मली इसमें सेल ऑफ भी देखने के लिए मिलता है। तो मेरे ख्याल से इनको सलाह तो ये रहेगी कि अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है डेफिनेटली बुक करके एग्जिट करें, अगर ये स्टॉक इनको फिर से 75-80 रुपए के आसपास या उसी के नीचे के लेवल्स पे मिलता है फिर एंटर कर सकते हैं। एक पोजिशनल ट्रेडिंग प्ले भी बन सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक, बट लॉन्ग टर्म अभी भी फंडामेंटल्स को कैचअप करना बाकी इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो अगर लॉन्ग टर्म एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखते हैं तो फ्रंटलाइन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग के हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक को देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग के पर्पज से एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, फिलहाल इसमें से निकल जाने की ही सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक है सागर पयानी जो कि पुणे से है। नमस्कार सागर, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास JK पेपर के 250 शेयर है, 63.5 के रेट पे। ओके, और इसके यस बैंक के शेयर है 1300 के भाव पे, 25 शेयर है। येस बैंक आपने 1300 पे खरीदा हुआ है और JK पेपर 63.7 पर, करेक्ट? जी, और अगर आप स्पेसिफाई करें कितने समय के लिए है ये दोनों ही बाय? मैं 3 महीने के लिए रुकना चाहता हूँ। ठीक है, और पहले JK पेपर पर बात कर लेते हैं। पिछले 2 सेशंस में देखें तो पेपर शेयरों में एक शानदार तेजी दिखी है, और इनकी खरीद लेकिन ऊपरी स्तरों की है 63.7 जैसा कि इन्होंने बताया, और आज की जो क्लोजिंग है दैट इज अराउंड 60 और लेवल्स पर क्लोज हुआ, आज फ्लैट क्लोजिंग रही है। 3 महीने के लिहाज से JK पेपर कैसा लगता है आपको, और साथ ही उसके बाद येस बैंक पर भी आपकी राय चाहेंगे आशीष?
देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, पेपर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है। भले जेकी की बात करें, वेस्ट कोस्ट पेपर की बात करें या बाकी जो पेपर स्टॉक्स है उसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो टेक्निकली तो स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से इनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 3 महीने मुझे लगता है कि इसमें कुछ 75-80 रुपये तक के टारगेट्स दिख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं इनको एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत मेक और ब्रेक लेवल पे ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे पॉइज्ड है। वो स्टॉप लॉस होगा कुछ 56-56 रुपये के आसपास का। तो उस स्टॉप लॉस को अगर ये ध्यान रख के होल्ड करना चाहें तो 70-75 तक के लेवल, अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है पेपर में, जो मुझे लग रहा है कि जैसे आप देख लें साइक्लिकल रैली जैसे टायर स्टॉक्स में आई है, मुझे लगता है शायद पेपर स्टॉक में भी वही एक स्टोरी रिपीट होनी चाहिए। तो ये 75-80 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है, बट डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। येस बैंक की अगर आप बात करें और इसमें अगर आप पिछले इसका एक मल्टी ईयर चार्ट भी देखें तो इतना शार्प करेक्शन हमने शायद पहले कभी नहीं देखा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़। वो न्यूज़ थी इनका QIP डिफर करने की, सेबी ने एक इंक्वायरी भी इस कंपनी के ऊपर पोस्ट की है। तो मेरे ख्याल से तो ये स्टॉक जो है 50 DMA 75 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली तो ये स्टॉक अब वीकिश जोन में आ चुका है। मैं इनको सलाह यही दूंगा कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन करें, क्योंकि अगर हम स्टॉक को पिछले 2-3 साल के लेवल पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 670-680 और लेवल से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ये 1300-1400 रुपये को टच करने के बाद इसने करेक्शन ली है, और मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा और समय तक सस्टेन कर सकती है। तो सेफ यही रहेगा कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन करें, इनको शायद कहीं इनका कॉस्ट दोबारा मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी वैल्यू इन्वेस्टिंग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में होती रहती है। FII भी बहुत इसमें इन्वेस्ट करता है, तो कहीं इनको अगर कॉस्ट के आसपास भी मिलता है 1200-1300 तो यहाँ से पहले निकलना ही ज़्यादा सेफ रहेगा। किसी PSU बैंक में, जो इमर्जिंग PSU बैंक है जिसका पोर्टफोलियो थोड़ा क्लीन हो रहा है, जैसे SBI है, उसमें अगर ये चाहें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं येस बैंक से निकल के। येस बैंक से निकल के, क्योंकि आपके ऊपरी स्तरों की खरीद है, यहाँ से निकलकर SBI एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे बयान आए हैं सरकारी बैंकों को लेकर जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि NPA की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है, या इनफैक्ट आज मूडीज की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए थे इंडियन बैंक्स को लेकर कि जो NPA बनने की रफ्तार है वो पहले से कुछ कम हुई है। तो एक पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है ओवरऑल बैंकिंग के लिए। येस बैंक से निकलकर SBI में निवेश की सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक है परमिंदर, पंजाब से जुड़े हमारे साथ। नमस्कार परमिंदर, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है। परमिंदर जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैम। हाँ नमस्कार सर, अपना सवाल बताएं। मैम मेरा सवाल GMT ऑटो पे है, मैंने 54 की मेरी परचेज है 200 शेयर की, लगभग महीना पहले लिए थे और शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। ठीक है, महीना भर पहले आपने लिए थे और फिलहाल थोड़ा नुकसान भी हो गया है, हर शेयर पे लगभग 9 रुपये का नुकसान आपको हो रहा है। चलिए जान लेते हैं एक्सपर्ट से कि मीडियम टर्म, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म ही कहेंगे, एक महीना भर इसको और रखते हैं तो लॉस कैसे कम करें, कोई स्टॉप लॉस आशीष आप सजेस्ट करेंगे JMT ऑटो में इन्हें? स्टॉप लॉस तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, बट साथ में आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर चार्ट देखें तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन काइंड ऑफ पैटर्न ये पर्टिकुलर स्टॉक बना रहा है। बीच में इसने कोशिश की थी 56-57 तक टच किया था और 60 के ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट वो कोशिश इसकी नाकाम रही और फिर से ये स्टॉक 45-46 के अपने लेवल के आसपास आ गया है। जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट दिख रहा है वो स्टॉप लॉस भी रहेगा, वो 43.5 का दिख रहा है। उस पर्टिकुलर लेवल को ये लगा के अगर मेंटेन करें, और बिल्कुल इसमें सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। टेक्निकली ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आ रहा है, इसको जो मुझे हाई दिख रहा है बहुत पहले का वो कुछ 130-140 का दिख रहा है, वहाँ से भी देखें तो कंटिन्यूस लोअर सर्किट लगते लगते ये पर्टिकुलर स्टॉक आया था 40-45 के लेवल पे, फिर से अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक वहीं है। स्ट्रेंथ तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं दिख नहीं रही है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन करें तब तक 43.5 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें। ऑलराइट, यानी कि जो आज की क्लोजिंग है उसके आसपास का एक स्टॉप लॉस है, तो आने वाले दिनों पर इस पर नज़र बना के रखें। फिलहाल किसी भी रैली में निकल जाने की सलाह आपको दी जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं मच टॉक्ड अबाउट IPO यानी ICICI प्रूडेंशियल की। देश की पहली इंश्योरेंस कंपनी का IPO आज से खुला, पहले दिन इशू 16% सब्सक्राइब हुआ। इशू 21 सितंबर को बंद होगा और जो प्राइस बैंड है वो 300 से 334 रुपये प्रति शेयर के बीच रखा गया है। इशू से जो प्रमोटर है यानी कि ICICI बैंक करीब 6,000 करोड़ जुटाएगा। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज जिनसे हमने बात की है ने इसमें निवेश की ही सलाह दी है। इनफैक्ट बाजार के कुछ एक्सपर्ट्स से भी हमने बात की, बड़े एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं आइए पहले वो सुन लेते हैं।
That's probably the first IPO from an insurance company, and there is going to be a certain novelty attached to it, certain demand going to be there. But our view is that the issue is will get subscribed, and we have assigned a subscribe rating to the issue from a longer term investment horizon. So don't look at the current upside immediately listing me, but you have to take care of the kind of growth that you are envisaging, and uska mutabik kya kind of a growth return milega aapko, aisa dekhna chahiye. Sector ek bahut bada sector hai, growing sector hai. अभी भी अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर. बहुत सारे करोड़ों लोगों की इंश्योरेंस नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर ने दिखाया है कि थोड़ा सा मार्केटिंग पे फोकस करके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करके, वो सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल टाउन्स, रूरल टाउन्स में भी जा सकती हैं, और अर्बन एरियाज़ में तो इम्पैक्ट ला ही रही हैं. तो इंश्योरेंस सेक्टर का, क्योंकि मार्केट इस समय सैचुरेटेड बिल्कुल नहीं है, बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, और कंपनी जो आ रही हैं बाज़ार में, अभी आ रही हैं, जो आएंगी, ये सब कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा. ये कोई 5 साल से 10 साल से 15 साल से बिजनेस में है. इनका नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इनके पीछे जो स्पॉन्सर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर्स हैं, इनका रेगुलेटर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है. तो और ये इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर तो 2 रेगुलेशन लागू हो जाते हैं, एडाई का भी रेगुलेशन है और सेबी का भी रेगुलेशन है. तो इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी रहेंगी. तो बाजार के कुछ एक्सपर्ट्स की भी आपने राय सुनी. इनफैक्ट आशीष, अगर आप इसको फॉलो करें इस न्यूज़ फ्लो को, और इनफैक्ट कई ब्रोकरेज हाउसेस से भी हमने बात की, एंड मोस्टली एक व्यू है सबका कि इसमें सब्सक्राइब किया जाना चाहिए. इनफैक्ट सिटी फिनमार्ट के विकास सेठी वो भी इसमें सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं. अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस से हमने बात की, इंडिया निवेश, NVS वेल, जॉर्जी, BNP परिवार के गौरांग शाह, सभी इसमें थम्स अप दे रहे हैं, यानी कि एक अच्छा बेट इसमें लगाया जा सकता है. इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बेट किया जाना चाहिए. आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो पूरी प्रोसीड्स हैं वो ICICI प्रूडेंशियल को नहीं बल्कि प्रमोटर को, ICICI बैंक को मिलने वाली हैं. ऐसे में कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देखते हैं ICICI बैंक पर, और ICICI बैंक को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? नहीं, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा. जो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा मेरे ख्याल से वो ICICI बैंक को मिलेगा. दूसरी तरफ आप देखें ICICI बैंक के जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी अपीलिंग है एज़ कम्पेयर टू एक्सिस बैंक. देखें, अभी हम येस बैंक की बात कर रहे थे, या अगर हम बाकी किसी HDFC की भी बात करें, तो ICICI बैंक में इतना रनअप नहीं आया है, और जिस तरीके से वैल्यू क्रिएशन होनी है ICICI बैंक पेरेंट कंपनी में, वो एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएशन है. शायद ICICI प्रूडेंशियल का IPO इसलिए 1-1.5 साल से मार्केट में इसकी काफ़ी चर्चा चल रही थी कि कब इसका IPO आएगा, और अल्टीमेटली वो आ गया है. उसमें सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी आ रहा है, और मुझे लगता है प्रूडेंशियल के IPO में डेफिनेटली किसी एक रिटेल इन्वेस्टर को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी भी इंश्योरेंस, जैसे अभी एक गेस्ट ने बताया कि अंडर पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, और जिस तरीके की मार्केटिंग, जिस तरीके का इनका पूरा सेटअप है, जिस तरीके का ब्रांड फ्रेंचाइजी है, तो मुझे लगता है ICICI प्रूडेंशियल में भी इन्वेस्ट करके फ़ायदा होगा, और ICICI बैंक के इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ICICI बैंक को जो नेट प्रोसीड्स मिलेंगे वो आगे इनको ग्रो करने में काफ़ी काम आएंगे. जो NPAs की वजह से काफ़ी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया ICICI बैंक के अंदर, जो एक नया डिस्पर्समेंट को इन्होंने थोड़ा सा एक बैक बर्नर मोड पे डाल दिया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी इनको हेल्प करेगा. तो डेफिनेटली ICICI बैंक तो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा इस पर्टिकुलर IPO से. तो एक बड़ा बेनिफिशियरी ICICI बैंक होगा, क्योंकि जो पूरी की पूरी प्रोसीड्स हैं वो ICICI बैंक को मिलेंगी. ICICI प्रोडेंशियल को इस प्रोसीड्स में से कोई खर्च पुट नहीं करेगी. लेकिन ध्यान में रखना होगा कि ये काफ़ी बड़ा IPO है. एक तो इंश्योरेंस कंपनी पहली है जो लिस्ट होने जा रही है, और साथ ही ऑलमोस्ट पिछले 6 सालों में सबसे बड़ा IPO इसे माना जा रहा है. इससे पहले कोल इंडिया का 15,000 करोड़ का IPO आया था. लेकिन अब कुछ और दर्शक हमसे बात करते हैं. प्रदीप जुड़े हमारे साथ अजमेर से. नमस्कार प्रदीप, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर. मैंने 1400 शेयर ले रखे हैं 533 रुपए के. 537. हेलो जी जी, 1400 शेयर है, 537 पर आपने खरीदे हैं? नहीं, 533 पे लिए हैं मैंने 1400 शेयर टाटा कम्युनिकेशन के. और एक बाटा के ऊपर मेरा सवाल है, वो मैंने आज ही उठाया 523.50 रुपए में 1100 शेयर. बाटा का अगर आप खरीद भाव एक बार फिर से बताएं. 523.50. ठीक है, ऑल राइट. 1100 शेयर है जी. ये दोनों स्टॉक्स जो आपने चुने हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं आपने? नहीं मैडम, मैंने तो शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं. इंट्राडे के लिए तो नहीं लिए आपने? नहीं, ये तो टाटा कम्युनिकेशन तो इंट्राडे के हिसाब से लिए थे मैंने.
चले ठीक है, पहले टाटा कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। टेलीकॉम को लेके ऑलरेडी काफी समय से एक न्यूज फ्लो है, फोकस में लगातार बने हुए हैं स्टॉक्स, पिटाई भी बहुत हो चुकी है, उसके बाद एक रिकवरी भी हमने देखी और आज के सेशन में टाटा कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास लगभग 22 रुपए की मजबूती के साथ 522 रुपए पर क्लोज हुआ है। टाटा कम्युनिकेशन क्या व्यू बन रहा है आपका, फिलहाल टेलीकॉम स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? इन्होंने इंट्राडे के लिए लिया था लेकिन शायद थोड़े समय के लिए होल्ड कर दिया इसके प्राइस को देखते हुए। इनकी बाइंग 533 से थोड़ा ऊपर है, यानी शायद अपने खरीद भाव के आसपास ही वेट कर रहे हैं, वापस आए तो वहां से निकल जाए। आप क्या सलाह देंगे आशीष? डेफिनेटली टाटा कम्युनिकेशन को देखें, ये एक तरीके से कॉन्ट्रा बैट होता है पूरे टेलीकॉम सेक्टर में, जहाँ टेलीकॉम सेक्टर अपने मल्टी ईयर लोज के आसपास चल रहा है और टाटा कम्युनिकेशन जो है अपने ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल्स को टच करने के कगार पे है। मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे वो 529 का दिख रहा है। अगर 529 टेकन ऑफ होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो शायद हम 537 से लेकर 550 के रेंज में बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इनको, चूँकि ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस ज़रूर इनको देना मैं चाहता हूँ। वो स्टॉप लॉस आ रहा है करीब 516 के आसपास का, उस स्टॉप लॉस को रख के इस पर्टिकुलर स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं जी। साथ ही इन्होंने बाटा पर भी सवाल पूछा था, इनकी बाइंग 523 ऑड लेवल्स पे, 533.50 पर इन्होंने खरीदा है और जैसा कि चार्ट हम देख पा रहे हैं आशीष, इसका जो हाई है 52 वीक्स का वो 613 रुपए, यानी इनकी जो खरीद है ऊपरी स्तरों पर हुई है। इन स्तरों पर अब क्या करना चाहिए बाटा इंडिया में? ये भी इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए इसे कहा जा सकता है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए उन्होंने बाटा खरीदा है। देखिए बाटा की अगर आप बात करें तो अपने ट्रिपल बॉटम के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक है और इसका जो एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 518 के आसपास का बन रहा है, जो कि इसका मूविंग एवरेज भी है, मीडियम टर्म मूविंग एवरेज भी आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर लेवल को स्टॉप लॉस मान करके होल्ड करें। ओवरऑल अगर चार्ट को मैं देखूं तो थोड़ा बियरिश लग रहा है ये पर्टिकुलर चार्ट। आप देखें जब रिजल्ट्स आए थे ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 622 625 के लेवल पे था, वहाँ से एक शार्प करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में आए, वो करेक्शन आज तक रिट्रेस नहीं कर पाया और वहाँ से और ज़्यादा कमज़ोर होता गया ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वीक है, बट स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर ट्रिगल हो तो बिल्कुल निकल जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि 518 के नीचे हम शायद 490-480 का लेवल भी देख सकते हैं। 518 का स्तर अगर ये तोड़ता है तो फर्दर इसमें गिरावट आ सकती है। बाटा से निकलने की सलाह आपको, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन आपकी जो बाइंग प्राइस है वो शायद अच्छी है, एक कॉन्ट्रा बेट के तौर पर आप उसे रख सकते हैं। लेकिन लगातार हम ऐसे स्टॉक्स आपको बताते हैं जी बिजनेस में जहां आपने शानदार मुनाफा कमाया। आज फास्ट 50 सेगमेंट में डिश फार्मा आपको बताया गया था खरीदारी के लिए, यहां पर जो टारगेट दिए गए थे वो अचीव हुए हैं। 190 का टारगेट आपको दिया गया था, आपको 20% तक का रिटर्न इस स्टॉक ने आज के सेशन में इंट्राडे में दिलाया। इसके अलावा फास्ट 50 के तहत आपको टीसीआई का स्टॉक खरीदारी के लिए बताया गया था, 200 रुपए के टारगेट्स थे जहां पर टारगेट हिट हुआ है, 4.5% से ज्यादा का रिटर्न आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में कमाया। सुपर शेयर यानी सुबह 9:30 बजे एमटी एडुकेयर का शेयर आपको बताया गया था जहां पर आपको 6.5% तक का रिटर्न आज के सेशन में मिला है, एक शानदार तेजी देखने को मिली है। मिड डे जैकपॉट आज दोपहर 12 बजे के कार्यक्रम में हमने आपको एक्सप्रो इंडिया का स्टॉक बताया जहां पर इंट्राडे में आपने 10% यानी डबल डिजिट रिटर्न आज इंट्राडे में कमाए हैं। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स लेकर हम कल भी लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतनी ही चर्चा करेंगे। आशीष, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन स्टॉक्स पे हमने आपके दर्शकों को राय दी सेम लाइंस पे हम अपने क्लाइंट्स को भी राय देते रहते हैं। ऑलराइट।